जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बहस हो रही है कि क्या मोहम्मद शमी को उनकी जगह खेलने का मौका मिलना चाहिए या दीपक चाहर टीम के पेस अटैक में शामिल होंगे। लेकिन डेथ ओवर्स में जिस तरह तेज गेंदबाजों की पिटाई हो रही है उसमें ये दोनों गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट नजर नहीं आते। जो खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की तरह डेथ ओवर्स में कमाल कर सकता है उसके नाम की चर्चा तक नहीं और ना ही वो रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है। हम बात कर रहे हैं यूपी के तेज गेंदबाज मोहसिन खान की जो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं। मोहसिन खान के अब तक के आंकड़े जसप्रीत बुमराह से भी खतरनाक नजर आते हैं। आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी रेट 7 से ऊपर है जो कि अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो पार प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। लेकिन मोहसिन खान के आंकड़े उनसे भी बेहतर नजर आते हैं। आईपीएल 2022 में मोहसिन खान ने 9 मैच खेले और 6 में भी कम इकोनॉमी रेट से 14 विकेट अपने नाम किए। मोहसिन खान ने भी पार प्ले और डेथ ओवर्स में ही ज्यादातर गेंदबाजी की और कई रोमांचक मुकाबलों में लखनऊ को जीत दिलाई। हालांकि मोहसिन खान का करियर छोटा है लेकिन जिस तरह की क्वालिटी गेंदबाजी इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने दिखाई है वैसी ही गेंदबाजी की जरूरत इस वक्त टीम इंडिया को है। आईपीएल में बड़े बड़े बल्लेबाज मोहसिन खान के सामने बेबस नजर आ रहे थे जो दिखाता है कि उनके सामने चौके छक्के लगाना इतना आसान नहीं। लेकिन भारत में तेज गेंदबाजों की भीड़ में इस गेंदबाज की चर्चा ना होना हैरान करता है। क्या मोहसिन खान को टीम इंडिया में आजमाया जाना चाहिए क्योंकि सभी गेंदबाजों की आखिरी ओवर में जबरदस्त पिटाई हो रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।